हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर, ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक में आज आपको दिखाऊंगा स्लो मोशन में, फास्ट हैंड मूवमेंट सारी, ठीक है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ऐसे पुश लेके आप ऐसे कई हाथ खोल के रखते हैं। इसमें ध्यान रखना कि इसमें सारे हाथ ऐसे खुले हैं। चिंटू की वीकनेस बता रहा था तो मैंने सोचा चलो आपको भी एक समझा देता हूँ। जब हम ब्रेस्ट स्ट्रोक में ऐसे करके पुश लेके जाते हैं ना, तो हम हाथ को ऐसे खोल देते हैं। ऐसे नहीं खोलना होता, ऐसे में पानी प्रेशर स्लो कर देता है हमारी स्पीड। अगर आपने हाथ खोलने में ना, तो हाथ को ऐसे रख सकते हो आप, मतलब कि हाथ पोजिशन ऐसे रख सकते हो ब्रेस्ट स्ट्रोक में, ठीक है। अगर आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक नहीं आती तो आप मेरा पहला पार्ट देख सकते हो, मतलब कि जो मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक पे बनाया है, इसी मतलब कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी सारे पार्ट मेरे, बिगनर से लेकर सारा कुछ। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो राखी बंधने वाली मतलब ओके, जैसे ये ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक कैसे चलती है वो भी मैं बता देता हूँ। दो टेक्निक्स होती है जिसमें आप नी खोल के ऐसे पूरा मारते हो, जैसे सपोज करो ये नी है, आप खोल के पूरी लेग्स मारते हो। एक होता है जिसमें नी नहीं खुलते और ऐसे चलते हैं, सिर्फ किक ऐसे चलती है, ठीक है। जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसमें नीज बिल्कुल नहीं खुलेंगे, बहुत टाइट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, ठीक है, इस पर भी जाके मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो अच्छे से। और टिकटॉक पे थोड़ी बड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, बल्कि उस पर स्विमिंग नहीं सिखाता, बस थोड़ी ऐसे गागू दिया या फिर थोड़ी मस्ती कर ली, वो बोली बढ़िया। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें कमियाँ नोट कर लेना, इसमें स्लो मोशन में दिखाऊंगा और फास्ट में दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट स्ट्रोक है ये पूरा, आपको मुझे अभी फास्ट देख रहे हो, स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा। मेरे बैकग्राउंड में गाड़ियों कारों का हॉर्न आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं शॉप पे बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ इसलिए। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, ब्रेस्ट ये है नई टेक्निक की जिसमें नीज बिल्कुल नहीं खुलते, बल्कि बहुत हल्के से खुलते हैं। तो चेक कर सकते हो हैंड मूवमेंट, चिंटू अभी मतलब कि ऐसे डिले से छोड़ रहा है। आपने ये गलती नहीं करनी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी आपको, एक बार लास्ट में भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स किक चेक कर सकते हो, इसकी मैं आपको रेस भी दिखा दूंगा, ठीक है। टर्न आपने फास्ट करना है, टर्न मारना है, जोर से कुछ मारना है, उसके बाद आप एक डॉल्फिन की किक मारने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हो। और याद रखना कि जब आप अंदर से करते हो तो एक ही ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक बजती है, अगर आप दो मारोगे तो डीक्यू हो जाओगे, डीक्यू का मतलब ये होता है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये आप चेक कर सकते हो, ये फास्ट चल रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाऊंगा कि जिसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, और साथ में सुखरीद मार रहा था किक, जो कि गलत है, आप मतलब कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर सके तो। ये देखो दोनों हाथ जोड़ के जोर से हमने पैरों को पुश करना है, उसके बाद हाथ आगे लेके आना है, एक ब्रेस्ट की किक मारनी है। उसके बाद अगर आप ये किक करने के बाद एक ब्रेस्ट की अंडर वाटर में और मार देते हो तो आप डी क्यू हो जाओगे। और ब्रेस्ट की किक आप चेक कर सकते हो, पेट के पास पैर नहीं जाने चाहिए, बस आपने पैर फोल्ड करने जो कि बाहर रहने चाहिए, फिर हैंड को आपने ब्रेस्ट में जैसे मैंने बाहर बताया वैसे चलाना है। और एक बात का याद रखना, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मतलब कि बॉडी बाहर होती है और किक मार देते हैं, अपने बॉडी पानी के अंदर ले आके फिर किक करनी है, ठीक है। अगर बॉडी बाहर आप किक कर दोगे, वो किक की जा रही सारी फोर्स खराब हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, मतलब कि आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका जोर ज़्यादा लगेगा और स्पीड बढ़ेगी नहीं। ये चेक कर सकते हो, चिंटू मार रहा है और थोड़ा सा आगे जाता है, काफ़ी आगे जाता है, उसके बाद ये बाहर निकलता है। तो ये होती है कि जिसमें हम कम थकते हैं और हमारा स्टैमिना भी काफ़ी तक बढ़ा रहता है, अगर हमने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर करनी है तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि किक को आपने पूरा पावर से लेना है, ताकि आपकी ग्रिपिंग बनी रहे, स्पीड बनी रहे, ये चीज़ आपने नोट रखनी है। तो मैं आपको इसकी रेस भी दिखा दूंगा, ये आप स्लो मोशन में चेक कर सकते हो, ये किक मारा जोर से, उसके बाद हैंड मूवमेंट चेक कर सकते हो। जैसे कि ये गलती कर रहा था, मैंने इसकी गलत पॉइंट नोट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कि देख जब तू पुश मारता है तो तेरे हाथ आगे ऐसे रहते हैं, ऐसे हाथ नहीं करने, इससे मैं अपनी स्पीड स्लो हो जाती है और हमें पानी में पता नहीं चलता कि हमारी स्पीड स्लो हो रही है, क्योंकि जो पानी का प्रेशर होता है वो हाथों के साथ टकरा के वो हमारे बॉडी को पीछे पुश कर देता है, जैसे कि आपको मैंने बाहर बताया था, ठीक है। मैं ये ब्रेस्ट स्ट्रोक आप समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर मैंने वैसे भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, आपको समझ में आएगा। अगर आप बिगनर हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, जिसके कारण आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। फ्रेंड्स मुझे कमेंट आते रहते हैं कि ब्रेस्ट की किक कैसे करें, या फिर हम ब्रेस्ट में हैंड कैसे चलाएं, ब्रेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में चेक कर सकते हो, बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाया मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक। उसके बाद मैं आपको एक रेस भी दिखा दूंगा चिंटू की, जो कि आपकी रेस चलेगी, पहले मैं फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, उसके बाद बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाऊंगा, ताकि आप पॉइंट नोट कर सको। इसमें मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक की जो डाइविंग होती है, डाइविंग के बाद क्या करना है
वो भी आपको दिखा दूंगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक की डाइविंग में डॉल्फिन नहीं होती, हालांकि डॉल्फिन की एक किक होती है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। डाइविंग भी आपको स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा, फास्ट में भी दिखाऊंगा। ये आप चेक कर सकते हो स्लो में कैसे करना है, ठीक है। अगर आप स्लो में कैच कर सकते हो, मतलब कि अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया आप मेरे कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे इजीली मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बाई चांस नहीं कर पा रहे हो तो कुछ दिनों के बाद करके देख लेना, आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा तो आसानी रहेगी। आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे अपनी हल्की क्लिक क्लिप बना के भेज देना वीडियो पे, जिससे अगर आपकी कोई चीज़ बार बार गलत हो रही है जिसके कारण मैं आपकी गलती देख के आपको मैं बता दूंगा कि आप ये गलती कर रहे हो उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। दरअसल की सबकी एक जैसी कमी होती है। ये देखो सुखरीत साथ में चल रहा है, इसका एक पैर आगे पीछे चलता है, वो अभी आपको शायद मैंने जूम कर दिया इसलिए कट गया, नहीं तो आपको पता लग जाता। और ये चीज़ आप चेक कर सकते हो कि अंदर जब हमें फेस करना है तो फेस को नीचे रख लेना है, फेस को हमने ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है। जब हम फेस ऊपर करते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेक कर सकते हो सुखरीत की जो लेग्स कितनी खुल रही थी, ये प्राणी टेक्निक्स होती है। उसके बाद इसने बटरफ्लाई स्टार्ट कर दी, बटरफ्लाई स्ट्रोक भी इसमें आप देख सकते हो यार ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है जो सबसे स्लो स्ट्रोक होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम खाता है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक। वैसे रेस में बता रहा हूँ, अदरवाइज सबसे कम आता है बटरफ्लाई में और फ्री स्टाइल में। तो फ्रेंड्स चलो अब आपको इसकी रेस दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाऊंगा। चेक कर सकते हो कि अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डाइविंग देख लो कहाँ तक जाके इसने डाइविंग जो मारी है 8 मीटर तक इसने कंप्लीट किया है। वैसे 15 मीटर तक आप कंप्लीट कर सकते हो पर इसने 8 मीटर तक कंप्लीट किया है, ये आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करना। तो चेक कर सकते हो कि ये अभी तक हाफ से थोड़ा आगे गया और चिंटू की रेस कंप्लीट हो गई है, वहाँ से टर्न मार लिया इसने वापस। और यही चीज़ मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेन था कि आपको यही चीज़ मैं आप स्लो मोशन में दिखा दूंगा। चेक करो यहाँ पे ग्रिप कर रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, एक बार अंदर जा रहा है तो कहाँ से निकल रहा है। ये इसीलिए निकला है क्योंकि इसकी किक मूवमेंट वो जो सही चल रही है, ठीक है। और हालांकि ये इसके हैंड मूवमेंट हल्के से स्लो है, इसमें और फास्ट होना चाहिए था। अभी ये चेक कर सकते हो किक मार रहा है, कितनी दूर जाके निकल रहा है। तो यही होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक में, ब्रेस्ट स्ट्रोक में दोनों हाथ कंप्लीट एक साथ लगाने होते हैं। ये बात ध्यान रखनी कि आप दोनों हाथ एक साथ लगाने हैं, ठीक है ना। अब ये 3 मेडल हो गए इसके बाद गोल्ड, तो तभी ये कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट की रेस है, ठीक है। देख सकते हो कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये जो आप थर्ड राउंड में ये बच्चा अभी चेक कर सकते हो ये कितनी बार बाहर निकल रहा था, और इसकी लेग मूवमेंट भी गलत है, ठीक है। वैसे गलत तो हम ये नहीं कहते कि गलत है, मतलब कि ये थोड़ा पहले ये होती थी और इसने एक हाथ लगाया, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, मतलब कि समझ रहे हो ना। तो वो बच्चा बेचारा गलत कर रहा है, सीख ले यार, उसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस वो रेस पूरी कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलो इसको एक बार आप स्लो मोशन में दिखाता हूँ, डाइविंग का पॉइंट नोट कर लेना। तो चलो ये स्लो मोशन में है, ठीक है। पोजिशन लेनी है जब टेक, ये चेक कर सकते हो सबके अलग अलग है, पर चिंटू की डाइव देख लो यहाँ से डाइव मारी है। और ये जो झंडी लगाई होती है ये 5 मीटर में लगाई होती है, 5 फुट में, मतलब कि 5 मीटर होता है ना, 25 मीटर का पुल होता है, तो 5 मीटर पर जो झंडी लगाई होती है चिंटू झंडी से काफ़ी आगे निकला है। तो समझ सकते हो कि ये आपका 15 मीटर होता है, 15 मीटर तक आप अंडर वाटर कर सकते हो, मतलब कि सही स्ट्रोक से, सही तरीके से, मतलब कि जैसे कि आप फ्री स्टाइल में अंडर वाटर 15 मीटर कर सकते हो सिर्फ डॉल्फिन से, तो इसी तरह आप ब्रेस्ट स्ट्रोक में सिर्फ एक डॉल्फिन का फिर पुश, ठीक है। उसके बाद आपकी हैंड मूवमेंट एक बार ब्रेस्ट स्ट्रोक में अंदर सिर्फ एक बार ब्रेस्ट की किक बचती है, उसके बाद आपको बाहर आना पड़ता है। अगर आपने ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक अंदर 2 बार पानी के अंदर 2 बार चला दी तो आप DKO हो जाओगे, मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपने रेस फिनिश करनी है दोनों हाथ टच करने हैं, जब भी आपने रेस स्टार्ट करनी है तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की डॉल्फिन किक आपने अंदर एक वही मारनी है, दो नहीं मार सकते, ठीक है। उसके बिना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सबसे पहले डॉल्फिन की किक होती है, फिर आप हैंड को पुश करके नीचे तक पूरा स्ट्रेट कर सकते हो, फिर उसके बाद आपका आता है कंटिन्यू ब्रेस्ट स्ट्रोक जो कि स्टार्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। ब्रेस्ट स्ट्रोक का कुछ भी चीज़ समझ में आया आप चेक कर सकते हो कि अभी चिंटू स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, अभी चिंटू कहाँ से कहाँ निकल रहा है, कि बिल्कुल स्लो दिखा रहा हूँ। आप चेक कर सकते हो कि इतना स्लो कि आप इजीली इसको कैच कर सकते हो कि हाँ भी चिंटू गैप ले रहा है, पर इसमें इसको और किक की मतलब कि किक जो किक मूवमेंट है वो और फास्ट होनी चाहिए इसकी, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल के लिए ये नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में इतना पावर चलती है और इजीली इसका मेडल भी आ सकता है सिल्वर ब्रॉन्ज के बीच में। गोल्ड मेडलिस्ट तो बहुत तेज चलते हैं इससे भी,
पर अभी इसकी डाइट चल रही है तो धीरे धीरे ये अपने आप कर लेगा, हो जाएगा। चेक कर सकते हो कि बाकी बच्चों की अलावा इसकी कितनी लीड है, पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करो ना, मेडल लेने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शरीर तोड़ना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है शरीर को, तभी होगा। और आई होप कि आपको मेरे चैनल से काफ़ी सपोर्ट मिल रही होगी स्विमिंग सीखने में। आई होप कि आप स्विमिंग देख के मेरे चैनल से आप भी मेडल ले आओ, नेशनल का गोल्ड मेडल। फिर आप मुझे कमेंट करो कि हाँ भैया मैंने आपकी स्विमिंग देखी, नेशनल का गोल्ड मेडल लेके हमारे आपसे देखा वगैरह वगैरह, काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक से हमें वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है, हमें मोटिवेट मिलती है कि हाँ भी हमारी लोगों ने इतने वीडियो लाइक की है, तो ये एक मोटिवेशनल के लिए हम लाइक कहते हैं। अदरवाइज़ हमें लाइक के पैसे नहीं मिलते, जो आप देखते हो उसी के पैसे मिलते हैं, मतलब कि व्यूज़ के ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें जो ऐड आती है उसकी पेमेंट होती है। तो बस ये है कि लाइक हम इसलिए कहते हैं कि हमें एक मोटिवेशनल मिलती रहे, हमें हम मोटिवेट होते रहें, जिसके कारण हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देते रहें और क्लीन टू क्लीन आपको वीडियो देते रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक समझ में आ गई, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे करनी है, सारी टेक्निक्स के बारे में मैंने बता दिया है और छोटी छोटी कमियों के भी बता दिया। क्या करते हैं कि जो नीज होते हैं ना, वो अपना चेस्ट के पास लेके जाते हो, चेस्ट के पास नहीं जाने चाहिए। जैसे सपोज करो कि अब मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं लो, ओके। जैसे क्या करते हैं, जितना भी मेरे पैर दिख रहे हैं देख लो, आप नी ऐसे करते हो, नी ऐसे नहीं आने चाहिए, नी सीधे रहने चाहिए, ऐसे पैर फोल्ड होने चाहिए, फिर ऐसे देन किक, ठीक है। ये पैर ऐसे रहने चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पानी में ऐसे फोल्ड करके फिर किक करते हैं, जिसके कारण हमें प्रेशर नहीं मिलता। तो याद रखना है कि किक जो करनी है प्रैक्टिस करने की, वो आपने जो नी है वो पेट की साइड नहीं फोल्ड होना चाहिए, वो सीधा रहना चाहिए और पैर फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। पैर से हमने पूछ लेना है, एग्जाम्पल देता हूँ। ये पैर सपोज करो ये नी है हमारे, ये सीधे रहे, आपने सिर्फ लेग्स मूवमेंट करनी है, लेग्स मूवमेंट, ठीक है। आप क्या करते हो, नी फोल्ड करते हो फिर किक करते हो, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आई होप कि आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक के बारे में समझ में आ गया होगा, स्लो मोशन फास्ट मोशन। तो आज की वीडियो यही थी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैंने कोशिश की कि आपको ब्रेस्ट दिखा दूँ, क्योंकि देखने से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो यही था थंबनेल, क्या होगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, कुछ भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो और सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।